नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 अप्रैल 2021 के आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों यश में आपकी लव लाइफ, बिजनेस, व्यापार, धन दौलत, रुपये पैसे तथा स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। आखिर ऐसे किन किन चीजों से लेकर आज आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि आपकी राशि से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज शनिवार का रहेगा। महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बन रही है, जो कि यह सुबह के 4:28 से लेकर ठीक अगले दिन के सुबह के 6:03 तक चलेगा। और इसके आगे कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह ठीक सुबह के 6:46 तक चलता रहेगा। और इसके आगे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो ब्रह्म नाम योग बन रहा है, जो कि यह ठीक 1:34 तक चलेगा। और इसके आगे इंद्र नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:14 पर। सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:41 पर। चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:19 पर। चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक शाम के 5:23 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय। तो यह 2:12:03 से लेकर ठीक 12:53 तक चलेगा। अब बात करते हैं अशुभ काल। राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:21 से लेकर ठीक 10:54 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है। खुद को कभी बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन मान लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। खुशी पैसे से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश रहता है तो दूसरा उसे बेचकर और तीसरा उसे फोड़कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों शेष जंग जीती हो, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और वही भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं मकर राशि का दैनिक राशिफल। एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा। अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्द ही ऐसे वित्तीय स्थिति बन रही है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात की जाए तो आज आप किसी स्वास्थ्य संबंधित परियोजना पर काम कर रहे हैं, और या इसी के बारे में आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको उम्मीद से भी जल्दी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखें और कुछ गलत होने पर समाधान तैयार रखें। आपको इन सब प्रयासों के लिए भी प्रशंसा मिलेगी। प्यार और संबंध राशिफल की अगर बात की जाए, अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कशमकश की स्थिति में थे तो आज आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, जो आज आपका किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। जिनका संबंध वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति के बदलाव के कारण आप अपने रिश्तों में नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज आप इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। करियर और धन राशि फल की अगर बात की जाए तो आज अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कारणों में आज आप अपने कार्य संबंधित कारणों से निवास स्थान या परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नति भी किया जा सकता है, अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित भी किया जा सकता है। आज आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाह या किसी करीबी से आज करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं।
अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त देंगे तो आज आप काफी लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इस जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो।